एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। ये व्लॉग है 19 नवंबर का और आज हमारी शादी को पूरे 9 साल हो गए हैं। आप सभी अपना ढेर सारा आशीर्वाद हमें जरूर दीजिएगा। आज सुबह सुबह घर के सारे काम टाइम से हो गए, अब भगवान जी को दिया बत्ती करते हैं, उसके बाद सुकून से बैठ करके सुबह की पहली अदरक वाली चाय पियेंगे आज आपके साथ। और आज सुबह की पहली चाय आप सभी के साथ। चाय पीकर बैठे ही थे कि आशीष का वीडियो कॉल आ गया और सब ने हमें विश किया। उसके बाद शुरू हो गई हमारे प्यारे कुकू की ढेर सारी बातें कि आपो मैया आपके हैप्पी 9th एनी का केक तो बाबू ही कट्टू करेगा और आज ना जाने किस मूड में था, बोलते आपो प्लीज आज आप साड़ी पहनो। और ये देखिए सुबह सुबह कितना प्यारा सा सरप्राइज दिया मेरी पड़ोसन, मेरी नेबर, मेरी फ्रेंड ने। उसे याद था कि आज हमारी एनिवर्सरी है तो उसने सुबह सुबह हमारे लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े साथ में चटनी और ये रबड़ी वाली खीर बना के भेजी है। थैंक यू सो मच डियर। खीर इतनी टेम्पटिंग लग रही थी ना कि मन कर रहा था अभी खा लूं, लेकिन आज एकादशी है तो आज नहीं खा सकती हूं। बट अभी मैं पहले ये पकौड़े ट्राई करूंगी। बहुत टेस्टी रही, थैंक यू पड़ोसन ये यम्मी पकौड़े के लिए और इस डिलीशियस सी खीर के लिए। आज एकादशी है तो आज ये नहीं खाऊंगी, डेफिनेटली कल खाऊंगी और बताऊंगी कि कैसी बनी थी। वाह वाह, आज हमारी एनिवर्सरी के दिन तो हमें सरप्राइज पे सरप्राइज मिलते जा रहे हैं। ये देखिए, ये कोई एक नया ऐप लॉन्च हुआ है ओटीपाई करके, तो इन्होंने हमारी सोसाइटी में सबके घर कुछ ना कुछ भेजा है। यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मेरे पास जो चीज़ आई है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है करीबन आधा केजी प्याज, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस भाई। ऑलरेडी प्याज बहुत महंगा हो रखा है इस वक्त। ये क्लिप है शाम की, दिन का लंच करने के बाद हम कुछ काम से बाहर चले गए थे, अभी एक घंटा पहले ही रिटर्न आए हैं और मैं फटाफट से डिनर प्रिपेयर करने में लग गई हूँ, साथ ही मैंने चाय भी रख दी है। इंदर केक लेने गए हैं, वो भी बस आते ही होंगे अभी। जस्ट अभी शिखा से बात हुई कि कुकू को दिन से फीवर आ रहा है, बहन अब भी उसको मेडिसिन दे करके सुलाया है। मम्मी की हेल्थ के बारे में तो आप सभी जानते हैं, पहले एक बार हमने सोचा कि वहीं जाकर के अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, फिर हमने प्लान चेंज कर दिया। कुकू नहीं मानेगा, वो सबके पास आएगा जाएगा और इस वक्त मम्मी की हेल्थ बहुत मैटर करती है हम सबके लिए, उनको इन्फेक्शन से बचाना है तो हम नहीं गए। एक और सरप्राइज, ये देखिए कौन आया है। सो फाइनली शिखा और आशीष आ गए घर। अरे हम चाह पहन गई तो दादा, ये ना ये जो गिफ्ट है ये कुकू बाबू की तरफ से है, आइए आप उनके लिए मोबाइल होल्डर। हाँ है ना, किसके लिए ये कुकू बाबू के लिए है, कुकू बाबू के लिए नहीं, सॉरी कुकू बाबू की तरफ से आया है, आइए और अय्या के लिए हैप्पी एनी 9th। हाँ, एनी का गिफ्ट है। हाँ, तो जब भैया और बहन जब घर आएंगे तो ये वापस लेके आएंगे और उसको नहीं बताना है, चुपचाप हमको दे देना, हम उसके सामने पैक करके उसके हाथों से दिलवाएंगे तो वो खुश हो जाएगा।
शिखा और आशीष हमारे लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट लेकर के आए हैं, और खास करके जब आपकी लाइफ का कोई स्पेशल दिन हो और उस दिन आपको कोई गिफ्ट मिलता है ना, तो भाई उसको खोलने की खुशी ना एक अलग ही लेवल की होती है। तो चलिए अभी इसको खोल लेते हैं और आपको दिखाती हूँ कि गिफ्ट में क्या आया है। तो ये है एक बहुत ही प्यारा सा फ्लोर लैम्प जो शिखा और आशीष हमारे लिए लेकर के आए हैं। फिर आशीष नहीं माना, बोला नहीं बहन इसको अभी के अभी माउंट करते हैं और देखते हैं इसकी लाइट कैसी है। तो ये है हमारे प्यारे से लैंप का फाइनल लुक जो बड़ा ही प्यारा सा एक वार्म फील दे रहा है। अगर आप भी किसी को गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, बहुत ही स्लीक है, बहुत कम स्पेस लेता है। एंड थैंक यू सो मच शिखा एंड आशीष फॉर दिस लवली गिफ्ट। अब समय है केक कटिंग का, आप सब भी हमें ज्वाइन कीजिए और प्लीज अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हम दोनों को दीजिए। केक कटिंग के टाइम पर ना जाने कैमरा कब और कैसे हिल गया, पूरा फ्रेम बिगड़ गया, शिखा आशीष भी नहीं आ पाए हैं फ्रेम में। जो भी जैसी भी क्लिप शूट हुई है आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। केक कट करने के बाद 10-15 मिनट हम लोगों ने बैठ के बातें की, इन लोगों को बहुत बोला डिनर करके जाओ पर ये लोग नहीं माने। फिर मैंने भी नहीं रोका क्योंकि कुकू को फीवर आ रहा है, बेटर है ये लोग घर जाए और बच्चे के साथ रहें। तो अभी हो गया डिनर टाइम और आज डिनर में मैंने बनाया है चिकपी सैलेड, साथ में है आलू गोभी की सूखी सब्जी, लौकी के कोफ्ते, मसूर की दाल, कच्ची हल्दी, हरी मिर्ची, धनिया पुदीने की चटनी और साथ में है रोटी। वर्चुअली आप लोग भी हमें ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए हमारे सिंपली डिलीशियस डिनर को। इस ब्लॉग को दोस्तों मैं आज यहीं पर एंड करूंगी। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल लिविंग विद पूजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपसे जल्द मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।